दिल्ली शाहीन बाग में प्रदर्शन का 71वां दिन जारी है। आज भी वार्ताकार जा रहे हैं शाहीन बाग, प्रदर्शनकारी से बात करेंगे वार्ताकार। लगातार चौथे दिन की बातचीत फेल रही है। आपको बता दें कि लगातार चार दिन से वार्ताकार वहां पर जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां जा रहे हैं, लेकिन चारों दिन जो उनकी बात है, यानी कि जो बात करने की कोशिश कर रहे थे, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसमें फेल होते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि लगातार चार दौरे की बातचीत फेल रही है। प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फरीदाबाद जाने वाला एक रास्ता खोल दिया है। तो यह भी एक बड़ी बात है कि नोएडा से फरीदाबाद जाने वाला एक रास्ता खोल दिया गया है, जिससे करीब कई लाख लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं करीब 70 दिन बाद एक रास्ते को यह खोला गया है। इस रास्ते पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं। तो यहीं आपको बता दें कि जैसे ही रास्ता खुला, जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने जश्न मनाया, लोगों के अंदर जश्न का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जो आम जनता थी वो काफी परेशान थी इस रास्ते से। आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर एक खुशी देखने को मिल रही है केवल रास्ता खुलने से, आप ये देख सकते हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। तो अमित, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार ये शाहीन बाग का मसला चलता आ रहा है, 70 दिन बाद एक रास्ता खोला गया है, तो क्या इसे हम माने कि एक पहल है कि जल्द ही पूरे रास्ते खुल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सुप्रीम कोर्ट से पैनल गठित किया गया है वो लोग इनसे वार्ता कर रहे हैं, और आज का जो रास्ता खुला है ये ओखला साइड जो जाने वाला रास्ता है वो खोला गया है। हालांकि नोएडा और कालिंदी कुंज के रास्ते की बात करें तो अब भी बंद है। और जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों से, चाहे साधना रामचंद्रन की बात करें, हेगड़े की बात करें, इन लोगों ने बात की है और एक दूसरी जगह दिखाई गई है जहां पे इन्हें कहा गया है कि प्रदर्शन वो कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए भी अलग जगह होनी चाहिए। कई मांगे जो है वो कल की वार्ता जब हुई थी तो कई मांगे जो है वो शाहीन बाग की तरफ से रखी गई है, जिन्हें खुद साधना रामचंद्रन ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी बातों को पहुंचाएंगे। आज फिर एक बार वार्ता होनी है और इन प्रदर्शनकारियों से लगातार अपील की जा रही है कि ये अपना प्रदर्शन कहीं और करें, प्रदर्शन की मनाही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से रास्ता ब्लॉक है इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, और किसी भी प्रदर्शन के लिए आम लोगों को भी परेशान करना कानून के खिलाफ है। तो जाहिर तौर पे इसे लेके लगातार वार्ता चल रही है। अभी तक सभी वार्ताएं जो है वो असफल हुई है। एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है जिस साइड से ओखला साइड का जो एरिया रोड यानी खोला गया, जहाँ छोटे वाहनों को आने जाने की परमिशन दी गई है, तो आज की वार्ता में क्या कुछ निकलता है वो देखना होगा। लेकिन कल जिस तरह साधना रामचंद्रन ने कहा कि वो इन प्रदर्शनकारियों की, शाहीन बाग के लोगों की सभी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगी। जी अमित, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो प्रदर्शनकारी हैं उनका एक मामला तो यह है कि वो चाहते हैं कि CAA और NRC का जो काला कानून जिसे वो कह रहे हैं उसे वापस लिया जाए, पर इसके साथ ही उनकी और भी कुछ मांगे हैं, तो वो मांगे क्या हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज, मेन मुद्दा जो है वो CAA और NRC को वापस लेने का है। ये दूसरा बड़ा गुस्सा कि केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो उनसे बात करने के लिए नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं किसी भी हाल में ये कानून वापस नहीं होगा, तो उसे लेके नाराजगी है कि आखिरकार केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए क्यों नहीं आया। अब जब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले का डिसीजन दे, सरकार को निर्देश दे कि इस कानून को वापस लिया जाए। हालांकि जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि साधना रामचंद्रन पहले ही स्पष्ट किया कि जो भी इन लोगों की मांगे उन सारी मांगों को वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी पहल है कि जो रास्ता ब्लॉक है, जो रास्ता बंद हो रखा है, इस रास्ते को कैसे खुलवाया जाए, इसे लेके लगातार वार्ता जारी है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।